तो हेलो एंड वेलकम गेमर्स, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक पर भी बात करेंगे उस टॉपिक का आपको पहले ही पता होगा क्योंकि आप सब लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। बाकी तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर आगे आप सब लोगों को पता लग ही जाने वाला है। तो चलिए माइकल को फटाफट से माइकल के घर की तरफ लेकर के चलते हैं ताकि आगे की स्टोरी आपको बहुत ही जल्द पता लग सके। एंड पिछली वीडियो में आप सब लोगों ने देखा होगा जो माइकल का लड़का था वो एक यहाँ पर वोट को सेल करना चाह रहा था, लेकिन गलती से जो है जिसको वो सेल करने वाला था वो उसने जो है चोरी कर ली थी। तो वो पिछला पार्ट था और आगे के पार्ट को आप सब लोग अभी देख ही रहे होंगे। माइकल का घर जो है आ चुके और माइकल के घर के अंदर हम जाने वाले हैं जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे। जैसे ही मैं माइकल के घर के अंदर आ जाऊंगा तो यहां से मेरा मिशन स्टार्ट हो जाता है। यहां पर जो माइकल है वो अपने घर वालों का नाम ले रहा है, यानी कि कोई यहाँ पर है या नहीं है वो नाम ले रहा है, अपनी लड़की का भी नाम लिया। और यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पर कोई नहीं लगा कि यहाँ पर कोई है नहीं तो यहाँ पर माइकल बाहर आ गया और सिगरेट पीने में लग गया। अभी होने वाली है रियल स्टोरी स्टार्ट। जैसे ही यहाँ पर ये देख पा रहे बैडमिंटन रखी हुई है और जैसे ही माइकल ने बैडमिंटन को देखा तो भाई यहाँ पर अभी जो है माइकल को डाउट हो रहा है किसी चीज का। तो यहाँ पर अभी माइकल जाने वाला है ऊपर कि भाई यहाँ पर कोई है नहीं तो यहाँ पर ये कैसे रखे हुए। तो भाई अभी जो है अमांडा के पास सीधा गया भाई माइकल एंड अभी जो है आप सब लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर इससे बातें करने में लगा हुआ है एंड यहाँ पर गेट ओपन कर दिया और गेट के अंदर भाई कुछ और ही सीन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि माइकल को कुछ और ही सीन देखने को मिल रहा है। और जो ये अमांडा है ये यहाँ पर बताने वाली है कि भाई ये रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ एक प्रैंक है। लेकिन यहाँ पर जो लड़का था या फिर जो भी आदमी था वो यहाँ पर भाग चुका है एंड यहाँ पर जो है ये रोकने में लग रही है, जो अमांडा है वो यहाँ पर जो है रोकने में लग चुकी है कि इसको जाने मत दो। फ्रैंकलिन भी आ चुका है, फ्रैंकलिन से भी बोल रही है कि इसे जाने मत दो, लेकिन यहाँ पर माइकल जो है वो उसको पकड़ने के लिए जाने वाला है और फ्रैंकलिन भी इसके साथ में जाने वाला है क्योंकि भाई ये इसका फ्रेंड है तो उसकी बात मानने वाला है। और अभी ये दोनों जाने वाले हैं उसको पकड़ने के लिए। भाई आप सब लोग देख पा रहे होंगे क्या ही सीन देखने को मिला है। और अभी हम जो है गाड़ी के अंदर फटाफट से बैठते और चलते उस बंदे के पास में जो बंदा यहाँ से भागा था। तो चलिए उस बंदे को फटाफट से फॉलो करते हैं और मिनी मैप में उसकी लोकेशन भी आ चुकी है तो भाई फटाफट से उसका पीछा करते हैं। और भाई अमांडा यहाँ पे बोल रही थी कि ये प्रैंक था तो भाई ऐसा कोई भी प्रैंक नहीं होता है और माइकल भाई बहुत ज्यादा गुस्से में है तो उसका फटाफट से हम फॉलो करते हैं। तो मैं यहाँ पर गोली भी चलाने वाला हूँ। ओ भाई साहब गोली चलाने के चक्कर में बैलेंस हट गया गाड़ी से और यहाँ पर मेरी जो है एक अलग गाड़ी में ठुक चुकी है गाड़ी। तो भाई सामने वाला जो बंदा है वो भी लगभग आगे पहुंच चुका है बहुत ज्यादा, तो फटाफट से हमको बहुत ही हिसाब से गाड़ी को चलाना होगा और गोली बिल्कुल भी नहीं चलाऊंगा इस बार में भाई, बहुत ही ज़्यादा बेकार बैलेंस हो जाता है। तो चलिए फटाफट से उसको फॉलो करते हैं। वो जो गाड़ी आपको आगे की तरफ दिखाई दे रही है उसको हमको फॉलो करना है। वैसे मिनी मैप में भी आप सब लोग देख सकते हो यहाँ पे सामने गाड़ी भागती हुई क्लियरली दिखाई दे रही है और सामने भाई ये जो बस वैन जो भी है भाई इसने पूरा रास्ता जाम कर दिया, इसके चक्कर में पूरी ऐसे तैसी हो चुकी है। और अभी जो गाड़ी थी जिसका हम फॉलो कर रहे थे बंदे की गाड़ी का वो मुझे लगता है कि आगे निकल चुकी है लेकिन इधर उधर कहीं भी नहीं गई होगी, इसी मेन रास्ते से गई होगी। तो भाई मेन रास्ते पर हमको जाना है एंड भाई अभी तो मिनी मैप में लोकेशन आ चुके कि हमको कहां पर जाना है। तो चलिए फटाफट से येलो लाइन को फॉलो करते हुए चलते हैं एंड अभी हमको ज़्यादा आगे नहीं जाना है। जो बंदा भाग रहा था उसके पास हम लगभग पहुंचने वाले लेकिन यहां पर गाड़ी को मोड़ना पड़ेगा तो हमने लगभग गाड़ी को मोड़ लिया है और इस कच्चे रास्ते से वो गया था एंड जो गाड़ी आपको सामने दिखाई दे रही है वही गाड़ी तक हमको जाना है। वही गाड़ी में वो वाला बंदा था जो हमारे घर से भागा था, माइकल के घर से जो बंदा भागा था वो यही है एंड जो ये आपको घर दिखाई दे रहा है इस घर पे ही वो बंदा गया। तो चलिए गाड़ी को फटाफट से आगे लेके चलते हैं एंड अभी आप सभी लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे भाई उसकी आवाज़ तक आ रही है तो हम गाड़ी को फटाफट से रोकते हैं सबसे पहले एंड यहाँ पर हम गाड़ी को पार कर देंगे एंड अभी उतरने वाले एंड भाई उस बंदे की पूरी ऐसी तैसी करने वाले। तो चलिए फटाफट से चलते हैं भाई, बंदे से क्या बातें होने वाली है वो भी मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो उस बंदे से माइकल की बातें चल रही है इतने में जो हमारा फ्रैंकलिन है ना भाई उसने यहाँ पर रस्सी को उसके घर के नीचे जो यहाँ पे खम्भे से लगे हुए थे पिल्लर से जो भी थे भाई उनसे यहाँ पे बांध दिया है एंड भाई जो लेडी अभी आपको दिखाई दे रही इसका पूरा रोल रहने वाला है अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। एंड अभी जो फ्रैंकलिन है भाई उसने इसकी जो गाड़ी है उस गाड़ी से रस्सी निकाली उसके घर के नीचे की तरफ बांध दी ताकि ये पूरे घर को ही तोड़ने वाले हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सीन होने वाला है। तो अभी जो यहाँ पर रहने वाला है माइकल वो गाड़ी के अंदर बैठने वाला है और गाड़ी को आगे की तरफ जैसे ही बढ़ाएगा तो पीछे जो घर है भाई वो पूरा का पूरा ढहस जाने वाला है क्योंकि वो जो है ज़्यादा ऐसी जगह पे पहले ही बना हुआ है कि भाई आराम से टूट जाएगा। तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे भाई यहाँ पर पूरा घर जो है हलने लग चुका है एंड भाई ये घर जो है अभी बहुत ही जल्दी टूटने वाला है। एंड जो लड़की आपको ऊपर दिखाई दी थी भाई जिसने कॉल किया था भाई उसका आगे क्या रोल रहने वाला है वो आपको बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी पता लगने वाला है। इतने में आप सब लोग देख पा रहे होंगे भाई मैं इतनी ज़्यादा रेस दे रहा हूँ लेकिन फिर भी जो घर टूटने का नाम नहीं ले रहा है, आधा तो लगभग टूट चुका है लेकिन भाई घर है भाई यूँ ही नहीं है। तो भाई एक गाड़ी से घर टूटना बहुत ही ज़्यादा जल्दी काम तो है नहीं भाई, लेकिन फिर भी जो हमने धीरे
धीरे धीरे करके पूरे घर को तोड़ दिया भाई, पूरे घर की ऐसी तैसी कर दी, सारा घर यहाँ पे जो है टूट चुका है। और अभी क्या है, यहाँ पे हम जाने वाले घर की तरफ, क्योंकि घर को तोड़ दिया एंड जो वो बंदा था भाई वो भी यहाँ से भाग गया। और अभी भाई पूरा यहाँ पे जो कहानी है, पूरे गेम की कहानी के अंदर पूरा का पूरा चेंज आने वाला है। क्या चेंज आने वाला है वो आपको मैं बहुत ही जल्दी बताने वाला हूँ। बताने क्या वाला हूँ गाइस, आपको खुद को बहुत ही जल्दी पता लग जाएगा। जैसे कि आप सब लोगों ने देखा होगा अब तक हमने क्या किया भाई, जो बंदा भाग कर आया था वो इस घर के अंदर आया था, तो हमने इस घर को ही तोड़ दिया। और अभी हम जाने वाले घर की तरफ, तो अभी बहुत ही ज्यादा बड़ा चेंज आने वाला है पूरी स्टोरी के अंदर। अभी अननोन नंबर से कॉल आया, हमने कॉल को अटेंड किया, तो ये वो ही बंदा था जो कि शायद से भागा था, मिस्टर डी सेंटा नाम बता रहा है। एंड भाई ये यहाँ पर बोल रहा है कि तुमने जिस घर को तोड़ा था वो मेरा घर नहीं था, मैं तो यहाँ पर एक टेनिस का कोच हूँ, तो भाई मैं तो इतना बड़ा घर नहीं कर ही सकता, मेरे इतनी औकात नहीं है। तो भाई यहाँ पर अभी बता रहा है कि वो घर यहाँ पर मार्टिन मद्राजू का घर है। तो भाई मार्टिन मद्राजू कौन है, तो भाई वो पूरे इस सिटी का सबसे बड़ा गैंगस्टर है एंड भाई उसके नाम से पुलिस तक डरती है। तो भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक सीन होने वाला है। लेकिन अभी जो हम फटाफट से घर की तरफ चलते हैं, तो भाई घर की तरफ से पहले हमको लोकेशन आ चुके हैं, तो फटाफट से उस लोकेशन पर चलते हैं। मिनी मैप में आप सब लोग देख पा रहे, तो फटाफट से मेरे को लगता है गाड़ी को उधर से उतारना होगा, तो हमने जो गाड़ी को यहाँ पर उतार लिया है। एंड भाई हमारे पीछे बंदे लग चुके हैं, यानी कि भाई देख पा रहे हैं यहाँ पे दो दो गाड़ी लग चुकी है, तो हमको अभी फायरिंग करनी होगी। लेकिन मैं यहाँ पर फटाफट से बंदों को मार देता हूँ, एक बंदे को मैंने क्लियरली मार दिया एंड दूसरे बंदे को भी डैमेज दिया। एंड भाई मुझे लगता है कि जिस लड़की ने कॉल किया था भाई, उसी लड़की ने यहाँ पर हमारे पीछे बंदे लगाए हैं। तो भाई हाँ बिल्कुल मुझे वही लग रहा है कि उसी लड़की ने बंदे लगाए। एंड भाई एक और गाड़ी आ गई भाई, मतलब तीन तीन गाड़ियाँ भी हो चुकी है, नहीं नहीं दो ही गाड़ी है एक्चुअली में, वो गाड़ी कोई और गाड़ी थी जो कि निकल चुकी है। एंड अभी मुझे लगता है कि ये दोनों गाड़ी के बंदे मर चुके हैं, एक और बंदा आखिरी बचा हुआ है। लेकिन हमको कैरेक्टर स्विच करने का भाई बोल रहा था, तो हमने कैरेक्टर को भी स्विच कर लिया और माइकल अभी गाड़ी को चलाने वाला है। और अभी हम जो है यहाँ पर फ्रैंकलिन कैरेक्टर से गेम प्ले करने वाले हैं, और हमारे पीछे गाड़ी लगने वाली है, तो हमको उनको मारना होगा चलती गाड़ी के अंदर से। ड्राइव की कोई दिक्कत नहीं है, ड्राइव यहाँ पर हमारा माइकल करने वाला है, तो माइकल कहाँ पर गाड़ी को ले जाएगा कुछ भी पता नहीं है। और मुझे लगता है बंदे भी पीछे नहीं आ रहे, तो ये कहाँ पे ले जाएगा, शायद से घर की तरफ ले जाने वाला है। बिल्कुल यहाँ पे बंदे पीछे आ रहे हैं, मैं बोल रहा था बंदे पीछे आने वाले, तो बिल्कुल यहाँ पे बंदे भी पीछा कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा पीछे है बंदे, तो एम भी नहीं जाएगा, चलो छोड़ते हैं। तो अभी जो माइकल है मुझे लगता है कि शायद से घर की तरफ गाड़ी को ले जाने वाला है। लेकिन भाई बंदों की गाड़ी फिर से हमारा पीछा करती हुई आ रही है, तो मुझे लगता है उसको मारना ही पड़ेगा। जो बंदा लास्ट बचा हुआ है वो अभी भी हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन भाई माइकल यहाँ पे गाड़ी को अगर रोक दे तो मैं उसको इजीली मार सकता हूँ, हमारे पास गन भी है और एक बंदे को मारना कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए। तो माइकल नहीं भाई, क्या ही बात है भाई, बंदे ने कितनी तेज गाड़ी को चलाया और हमारी गाड़ी भी यहाँ पे मोड़ दी है बंदे ने, ऐसी टक्कर मारी है। लेकिन ये बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया, ताकि हम उस बंदे को इजीली मार सके। लेकिन माइकल भाई यहाँ पे गाड़ी को भगाए जा रहा है, और लेकिन हमने फाइनली उस बंदे को मार दिया। और अभी वो बंदा भी हमारे रास्ते से हट चुका है, और अभी हमको लोकेशन आ चुकी है, हमको इस येलो जो है, यानी कि जो येलो लाइन है उसको फॉलो करते हुए जाना है। एंड भाई हम माइकल को भी स्विच कर सकते हैं फास्ट गाड़ी को चलाने के लिए, तो चलिए गाइस फटाफट से हम घर की तरफ लेके चलते गाड़ी को। तो अभी जो है लगभग हम घर के करीब आ चुके हैं, तो फटाफट से गाड़ी को घर के अंदर लेकर के चलते हैं। और अभी होने वाला है बहुत ज़्यादा खतरनाक सीन, यानी कि जिसके घर को हम तोड़ कर आए थे वो उस बंदे का तो घर था नहीं, एंड जिसका वो रियल घर था वो था मार्टिन मद्राजो, जो कि इस सिटी का सबसे बड़ा गैंगस्टर था भाई। तो वो अभी हमारे घर आने वाला है, उससे हमारी दुश्मनी हो चुकी है, तो आगे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे सीन रहने वाले हैं, उससे दुश्मनी हो चुकी है, इसीलिए गाइस हमको बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी आगे आने वाली है। तो अभी आप सब लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे गाड़ी की आवाज़ आ चुकी है, एंड ये किसकी गाड़ी की आवाज़ है, तो यहाँ पे आ चुका है मार्टिन मद्राजो। जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मार्टिन मद्राजो गाड़ी से उतर चुका है एंड आ चुका है भाई यहाँ पर कि तुमने मेरे घर को क्यों तोड़ा भाई। तो आप सब लोग देख पा रहे होंगे क्या ही सीन यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे जो वो लड़की थी उसने कॉल करके बता दिया कि भाई किसने यहाँ पे घर को तोड़ा था आकर के। एंड जो मार्टिन मद्राजो भाई उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, फ्रैंकलिन इसके बारे में पहले ही जानता है, और ये फ्रैंकलिन और ये जो मार्टिन मद्राजो है ये दोनों बताने वाले हैं कि मार्टिन मद्राजो कौन है। तो मैं आपको भी बता देता हूँ, जो मार्टिन मद्राजो है वो पहले बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था और इनलीगल तरह से काम नहीं करता था, लेकिन बाद में जा करके इसको किसी तरह से फंसा दिया गया और बाद में बोला गया कि ये बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है। और बाद में जा करके तो जब इसको पता लगा कि बिना किसी मतलब के यहाँ पर फंसाया गया है, तो बाद में जाकर के खुद ही गैंगस्टर बन गया। एंड भाई बहुत ही ज्यादा बड़ा गैंगस्टर है अभी तो। एंड अभी यहाँ पर आप सब लोग सीन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर माइकल के ये डंडा देने वाला है और यहाँ पे भाई माइकल को गिरा दिया है। एंड अभी क्या सीन होने वाला है वो भी आपको बता देता हूँ। जो ये लड़की है, इसी लड़की का वो घर था जिसको यहाँ पर गिफ्ट में दे रखा था मार्टिन मद्राजो ने, एंड भाई जो घर टूट गया। तो अभी मार्टिन मद्राजो बोलने वाला है कि यहाँ पर 5 मिलियन का वो घर था,
तो तुमको कैसे भी करके पैसे देने पड़ेंगे भाई। तो अभी जो माइकल रहने वाला है वो किसी भी तरह से यहाँ पर पैसे इकट्ठे करने वाला है। लेकिन भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो माइकल पैसे इकट्ठे करेगा वो बहुत ही ज्यादा अलग तरह से पैसे इकट्ठे करने वाला है। किस तरह से इकट्ठे करेगा तो वो मैं आपको बहुत ही ज्यादा जल्दी बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले जो मार्टिन मद्रास जो आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ से जाने वाला है। एंड भाई माइकल भी इसके सामने कुछ नहीं बोल रहा है। आप सब लोग खुद देख पा रहे कितना बड़ा यहाँ पे गैंगस्टर है, यानी कि जो मार्टिन मद्रास जो वो कितना बड़ा आदमी है भाई, यहाँ पे आप सब लोगों ने देखा होगा। एंड अभी आपको मैं कुछ और ही बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ, तो जो माइकल है वो यहाँ पे कॉल लगाएगा अभी इसके पुराने फ्रेंड को जिसका नाम रहने वाला है लेस्टर। और भाई लेस्टर भी बहुत ही ज्यादा बड़ा हैकर है एंड उसके साथ में ये बैंक भी लूटने वाले है एंड बहुत ज्यादा ऐसे काम करने वाले जो कि इनलीगल रहने वाले और इनलीगल तरह से यहाँ पर ये पैसे कमाने वाले। एंड भाई उसके पैसे को भी चुकाने के बाद में भी बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह से बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले। तो यहाँ पे अभी जो है माइकल अपने घर जाने वाला है एंड जो यहाँ पर ये फ्रैंकलिन है ये भी अपने घर जाने वाला है और इस वाले मिशन का भी यहीं पर एंड होने वाला है। लेकिन अभी जो माइकल है वो यहाँ पर लेस्टर को कॉल लगाने वाला है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी पता लग जाएगा। तो अभी जो है मिशन पास्ट आ चुका है एंड अभी सीन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको माइकल दिखने वाला है जो कि कॉल लगाए हुए है, यानी कि लेस्टर से बातें कर रहा है। तो आप सब लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर लेस्टर से बातें चल रही है माइकल की एंड अभी सारे के सारे मिशंस हमारे लेस्टर के साथ में ही रहने वाले हैं। तो आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी पता लगने वाला है कि किस किस तरह के हम आगे मिशन करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि इस वीडियो का यहीं पर मुझे एंड कर देना चाहिए एंड आगे भी आपको बहुत ही ज़्यादा कमाल की स्टोरी मिलने वाली है GTA 5 की। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए, वो भी मैं आपके लिए बना दूंगा अगर कोई और भी टॉपिक आपके मन में है तो। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।